अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो कल का ये रहते हैं सेशन बनाने वाली, वो भी रहती है तो वो भी अभी लेके आता हूँ। तो मनीष भाई का टेबल आया कंप्यूटर का, तो वो देखते हैं क्या लेके आए। तो अभी आया ही है, नीचे पड़ा है, तो देखते हैं। वो काफी प्यारा लग रहा है मुझे तो। मनीष भाई ने बनवाया अपने कंप्यूटर के लिए ट्रॉली वगैरह। ये है वो टेबल, तो ये बनवाया है मनीष भाई ने, तो काफी प्यारा टेबल है वैसे। क्या बात है भाई, भाई का भी कंप्यूटर सेटअप हो गया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे से ग्लो लाइट है, क्या खूबसूरत थीम बनाया मनीष भाई ने, रेड कीबोर्ड और साथ रेड वॉलपेपर, तो काफी खूबसूरत बन गया और काफी खुला डुला भी हो गया। तो इसके साथ ये दराज है, काफी अच्छा सेटअप बन गया है अभी। जी तो अभी बच गया एक, और मैंने एक्सटेंशन लगा के तो अभी लाइट्स वगैरह ऑन कर ली हैं, तो आपको मेरे चेहरे पे ग्लो जो नजर आ रहा होगा इस साइड पे, तो काफी अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है ये। तो अभी मैं जाने लगा हूँ फैसलाबाद, तो वहां से देखते हैं कि ये न्यू लाइट्स जो है मैं ढूंढ रहा हूँ तो कहाँ से मिलेंगी। अगर मिल गई तो मुनासिब रेट हुआ तो फिर ले लेंगे, अगर ना मिली और मुनासिब रेट भी ना हुआ तो फिर नहीं लेंगे, फिर आ जाएंगे। तो अभी मैं जाने लगा हूँ फैसलाबाद, तो अभी चलते हैं फैसलाबाद। तो मैं जा रहा हूँ कैलरिया माल, साथ मुनीब है। तो मुनीब ने अभी कैलरिया माल से कुछ चीज लेनी है, तो वो चीज लेके फिर इंशाल्लाह जाएंगे न्यू लाइट्स का पता करने के लिए। यहाँ पे जो चीज लेने के लिए आया था तो वह यहाँ से मिली नहीं है, तो अभी हम वैसे विंडो शॉपिंग यहाँ पे करने आए हैं कार फोर पे, तो यहाँ पे जूते वगैरह भी लगे हुए हैं। हम यहाँ से वापस जाने लगे हैं, तो अभी हमें यहाँ से कुछ मिला ही नहीं है जो मुनीब को चाहिए था। तो अभी देखते हैं कोहिनूर पे है, पद्मिनी सो की शॉप बाहर जाके देखते हैं, फिर एक सायरा मॉल में है, तो देखते हैं वहाँ से मिलती है कि नहीं मिलती। बाद में मेरी न्यू लाइट्स बाद में देखेंगे, पहले मुनीब भाई की चीज़ें ढूंढ लेंगे। मास्क रह गया अभी अंदर, तो अभी हम जी कोहिनूर प्लाजा पहुंच गए। मुनीब का जो सामान चाहिए वो पूछते हैं यहाँ से मिलता कि नहीं। मीशो नीचे है, हम सामने मीशो है, तो वहाँ से देखते हैं, अगर ना मिला फिर देखते हैं, फिर रेक्स सिटी चलते हैं। रेक्स सिटी जाने का टाइम नहीं है, मैंने अपनी न्यू लाइट्स भी पता करनी है, तो अभी यहाँ से पता करते हैं। तो यहाँ पे भी पूरा कोहिनूर प्लाजा है वो घूम लिया, तो यहाँ से मिला ही नहीं है माउस पैड, तो अभी मैं जाके अपनी न्यू लाइट्स है वो पता करूँगा, फिर मुनीब को रेक्स सिटी लेके जाएंगे, तो वहाँ से पता करेंगे के मिलता है कि नहीं मिलता। तो अभी भी लगा, अभी जाके न्यू लाइट पता करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे घूमा है, तो यहाँ पे गेमिंग शॉप है, तो वो दूसरी गेमिंग है जो कंसोल गेमिंग पीसी गेमिंग वाली, यहाँ पे शॉप बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी जाते हैं। अभी बज गए तकरीबन 5:30, और जिस शॉप से मैंने न्यू लाइट लेनी थी वो आज बंद है, तो अभी मैं मुनीब के साथ आ गया रेक्स सिटी, तो यहाँ से इसका देखते हैं माउस पैड मिलता है कि नहीं मिलता, अगर ना मिला तो ठीक है, मिल गया तो फिर भी ठीक है। अभी हो गए तकरीबन 6:30, तो हम जाने लगे हैं वापस, तो मुनीब का जो था माउस पैड वो भी नहीं मिला यहाँ से। कोहिनूर सिटी भी देख लिया, गैलरिया मॉल मिनीसो वहाँ से भी देख लिया, ऑनलाइन शॉप से मिनीसो की वहाँ से भी देख लिया, रेक्स सिटी से भी देख लिया, यहाँ से मिल रहे थे लेकिन ज्यादा महंगे थे, तो वो मुनीब भाई की पहुँच से दूर थे, तो वो मुनीब की पहुँच से दूर थे। मुनीब भाई, मुनीब मुझे कह रहा है कि मुझे मुनीब भाई ना क्या करो, तो मुनीब कहा करो, तो मुझे आदत है मुनीब भाई कहने की उर्दू में, तो अभी वैसे मुनीब ही कहूंगा। तो अभी चलते हैं वापस, जो मेरा था न्यू लाइट का काम वो शो भी बंद है, तो वो भी नहीं हुआ, तो खैर अभी न्यू लाइट्स का काम मैंने छोड़ दिया, अभी करना भी नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कभी चैनल ग्रो हुआ तो फिर इंशाल्लाह करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो अभी हम जाने लगे हम वापस। हां जी, तो कैसा लग रही है अलमारी?
तो जी फैसलाबाद से मैं आ गया हूँ, तो तकरीबन 8:30 हो चुके हैं, तो ईशा के जाने हो रही है, तो मुझे मैसेज भी आ गया है कोरोना वैक्सीन जो मेरी दूसरी डोज है वो लगवाने का मैसेज आ गया, तो अभी मैं कोशिश करूंगा आज ही लगवा लूं दूसरी डोज भी, तो जल्दी से फुली वैक्सीनेटेड हो जाए। तो ये अभी मैंने कमरे की सारी लाइट्स जो है वो बंद की हुई है, अभी आप देख सकते हैं क्या अलमारी कैसी लग रही है आपको यहाँ पे। ये भी मैंने आपको मैंने सुबह भी बताया कि मैंने फूल ऊपर तक कर दिया था, तो ये भी अच्छा लग रहा है और ग्लो भी अच्छा आ रहा होगा आपको। अभी फुल कमरे की लाइट्स बंद है, तो इस तरह की लग रही है अलमारी अभी। अभी मैं कोशिश करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो जाके वैक्सीन लगवा के आते हैं। मैं और मदनमोहन भाई अभी आ गए हैं अस्पताल, तो ये पर्ची बनवा ली है अभी मैंने, अभी उन्होंने कहा है 10 मिनट वेट करें, तो रश बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी कह रहे वेट करें, देखते हैं कि 10 मिनट के बाद डोज लगवाते हैं अभी, तो अभी वेटिंग का टाइम है। वैक्सीन लगवा के मैं वापस आ गया हूँ, बाहर सर्दी काफी ज्यादा होती था जिसकी वजह से मैंने ये जैकेट पहन ली थी, तो जैकेट का ये मैं बताने लगा हूँ कि ये जैकेट जो है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है और वो भी मेरे पास है, और एक शर्ट है वो भी आपको किसी ब्लॉग में दिखाऊंगा, वो भी पूरे वर्ल्ड में एक है और मेरे पास है, तो ये काफी यूनिक आइटम है, तो काफी ज्यादा शो ऑफ कर लिया। तो अभी आपको एक और चीज दिखाने लगा हूँ, ये ट्रॉली जो कि मनीष भाई की थी, तो मैं लेके आ गया हूँ अपने कमरे में, तो यहाँ पे मैं अपना कंप्यूटर रखूंगा, ये ट्रॉली यहाँ पे रखेंगे, ये मैं उठा दूंगा, तो ये टीवी की ट्रॉली है जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो अभी ये रखते हैं। तो नीचे कमेंट्स में भी बताएं कि आपको ये जैकेट कैसी लगी है, अच्छी है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और इसे अपने दोस्तों के साथ करें शेयर। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।